ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा थिएटर्स पर दस्तक दे चुकी है, लेकिन रिलीज होते ही फिल्म के मेकर्स को बड़ा झटका लगा, या यूं कहें कि करोड़ों का चूना लगने वाला। जैसे ही फिल्म एक पर्दे पर रिलीज हुई, वहीं दूसरी तरफ कुछ साइट्स पर ये फिल्म ऑनलाइन लीक भी हो गई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी फिल्म को ऑनलाइन लीक किया गया। ज्यादातर फिल्म रिलीज होते ही कई वेबसाइट्स पर लीक हो जाती है। फिल्म विक्रम वेधा के साथ रिलीज हुई चियान विक्रम, कार्थी और ऐश्वर्या राय की साउथ फिल्म पोनियन सेल्वन 1 भी 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और कई वेबसाइट्स पर ऑनलाइन लीक हो गई। बता दें कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म के लिए ये बुरी खबर है। फिल्म के ऑनलाइन लीक होने से सिनेमाघरों में देखने वाले लोग अब फिल्म को घर बैठे ही देख सकते हैं। फिल्म के पहले दिन ऑनलाइन लीक होने से बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। बताया जा रहा है कि फिल्म विक्रम वेधा HD प्रिंट में लीक हुई है। फिलहाल फिल्म विक्रम वेधा के पहले दिन ओपनिंग बिजनेस को लेकर कहा जा रहा है कि 15 से 20 करोड़ रुपए कमा सकती है। दरअसल फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी हो गई थी। वहीं फिल्म की बात की जाए तो इसमें ऋतिक रोशन ने गैंगस्टर वेधा का और सैफ अली खान ने पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम का रोल किया है। गायत्री पुष्कर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के अलावा राधिका आप्टे और रोहित सराफ भी अहम रोल में। बता दें कि फिल्म विक्रम वेधा इसी नाम से बनी साल 2017 की तमिल फिल्म का रीमेक है। रीमेक होने की वजह से भी लोग इस फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं और इसका बहिष्कार कर रहे हैं। ट्विटर पर कुछ दिनों पहले बॉयकॉट विक्रम वेधा ट्रेंड हुआ था, जिसके पीछे फिल्म के रीमेक होने के साथ साथ सैफ और करीना के पुराने बयानों को बताया जा रहा है। बता दें कि ट्विटर पर सैफ अली खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे का नाम राम नहीं रख सकता। दरअसल कुछ सालों पहले सैफ और करीना के बेटे का नाम तैमूर रखे जाने पर खूब बहस छिड़ी थी। इस वीडियो में सैफ अली खान कह रहे हैं कि वो अपने बेटे का नाम राम नहीं रख सकते और करीना कपूर भी मुगल शासकों की तारीफों के पुल बांधती नजर आ रही है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। यही वजह है कि अब हिंदुओं ने फिल्म का विरोध शुरू कर दिया। बता दें कि फिल्म को पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की एडवांस बुकिंग ने हर किसी को निराश कर दिया है। फिल्म से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इसकी एडवांस बुकिंग बेहद ही जबरदस्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ऊपर से फिल्म लीक भी हो गई, जिससे फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर भारी नुकसान होना तय बताया जा रहा है। फिल्म का मुकाबला साउथ के डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म PS1 से हो रहा, जिसकी एडवांस बुकिंग कमाल की बताई जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि ऋतिक और सैफ की विक्रम वेधा का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।